सो गाइस आज की इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले कॉर्नी प्रॉब्लम के बारे में। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए जैसे जाते हो तो गाइस आप लोग के सामने यहाँ पे एक न्यू प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ यू कांट मेक दिस चेंज अ मोमेंट, इस टाइप से गाइस सबको लिख के आ जाता है। और नीचे लिखा हुआ है कीप योर अकाउंट सेफ, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इस टाइप से गाइस आप लोग को यहाँ पे एरर प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है और गाइस आप लोग यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन नहीं कर पाते हो, ठीक है, और एक अपना अकाउंट को सिक्योर नहीं कर पाते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और इसको आप लोग ऑन नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आपके फ़ोन के अंदर, ये प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कैसे कर पाओगे, आपका जो फेसबुक अकाउंट में टू स्टेप वेरीफिकेशन बंद है तो उसको ऑन कैसे कर पाओगे, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल भी नहीं हो, पहली बार हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आप लोग यहाँ पे फेसबुक के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहते हो और गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम शो करता है तो आपको करना क्या है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके में क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे बैक कर दिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आप लोगों को सबसे पहले इसको यहाँ से क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने फ़ोन के अंदर ना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना, प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ना सर्च कर लेना है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक जैसे सर्च करोगे आपको यहाँ पे फेसबुक मिलेगा, सेम टू सेम आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा तो पहले क्या करना है, आप लोग अपडेट पे क्लिक करके फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ पे अपडेट कर लेना, ठीक है। तो मेरा तो अपडेट नहीं मारा, मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा है, तो आप लोग को अपडेट लेकिन करना है। अगर आपको अपडेट मांगा है तो आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट वगैरह करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है। उसके बाद आप लोगों को दोबारा से यहाँ से क्या करना है, फेसबुक को ओपन कर लेना, ठीक है। फेसबुक को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने को कुछ स्टेप से फेसबुक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो थ्री लाइन का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। उसके बाद कैसे आप लोग को यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टू फॉरगेट ऑथराइजेशन जो भी लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद फेसबुक पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद कैसे आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम देखो मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को ना कहीं और टच कर लेना है, ठीक है। ऐसे कुछ कहीं और टच करना, ठीक है। कहीं और टच करोगे तो कुछ इस टाइप से वो हट जाएगा। हटने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आप लोग सिक्योरिटी ऑन करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कैसे आप लोग को बोल रहा है, एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर क्या करता हूँ, फटाफट से फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पे फटाफट से आप लोग फिल कर लेना, ठीक है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करके क्या किया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखो कुछ स्टेप्स इन्हें फेस आ चुका है और यहाँ पे ओटीपी भी मिल चुका है, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद भी गाइस आप लोगों को देखो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम देखो मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको बार बार शो कर रहा है तो वो करना क्या है, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे इसको कट करो, ठीक है। कट करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद कैसे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने नीचे एक साइड आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का, ठीक है। इस टाइप से इस पर क्लिक करो। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फोन को ना सेंग करने को हिलाने के लिए से बोला, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। ऑफ करने के बाद यहाँ पे ओके करो, ठीक है। दोबारा इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। रिपोर्ट प्रॉब्लम का इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे कुछ स्टेप एंड फेस आ जाएगा, आपको ऊपर वाले में क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ स्टेप एंड फेस आएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा गाइस आप लोग को ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग किस वजह से रिपोर्ट करना चाहते हो, किस प्रॉब्लम क्या मतलब आप लोग रिपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, मैं अभी सेटिंग लिख देता हूँ कि मेरे को सेटिंग में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करता हूँ और जो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गाइस आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों का जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है, ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो वही आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन मेरा काम नहीं हो रहा है और जो यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन दिस मोमेंट स्टेप से आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। यही सब लिख के आप लोगों को यहाँ पे सेंड कर देना है, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे सेंड कर दोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यू कैन, ठीक है, कांट मैक, ठीक है, मैक
मैक दिस, ठीक है, चेंज एट द मोमेंट, ठीक है, कुछ स्टेप्स आप लोग को लिखना है, देन इसको यहाँ पे कर देना है क्लिक, ठीक है। इतना करने के बाद देखो कुछ स्टेप से गाइस आपका यहाँ पे हो जाएगा, थैंक्स फॉर फीडबैक आ चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो जो स्टेप मैंने आपको बताया वही आपको सेम टू सेम अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आप लोग ये सब कुछ अप्लाई कर दोगे तो गाइस आप लोग का प्रॉब्लम यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम नहीं, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो मतलब प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ नहीं भाई, आपके साथ हो रहा है, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर सभी बंदे इस स्टेप से रिपोर्ट करोगे तो भाई उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचेगा और ये प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा, ठीक है। तो आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का रिपोर्ट करो आप लोग, और ठीक है। तो यार क्या ही बोलूं, यार मक्खी तो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलो गाइस कोई नहीं, जितना भी कुछ है सब कुछ मैंने इस वीडियो अंदर बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो अंदर, तक के लिए बाय बाय, चैन फंदे मातरम।